क्या आपने बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल का प्रीपोजिशन टेस्ट दे दिया है? नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लिंक प्रोवाइड करवाया गया है आपको। पहले आप वो टेस्ट दे दीजिए, फिर उसके बाद आप दीजिए एडवांस लेवल टेस्ट। यस, वेलकम एवरीवन टू द एडवांस लेवल टेस्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। जैसा कि पिछली वीडियोस में आपने पाया कि आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए स्टार्टिंग लेवल के, बिगिनर एंड इंटरमीडिएट लेवल, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द एडवांस लेवल। 10 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम यू, 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और वो 10 क्वेश्चन में से आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकेंड्स दिए जाएंगे। इफ़ यू आर एबल टू डू द आंसर करेक्ट, देन वेरी गुड, योर प्रीपोजिशन इज अप टू मार्क। बट अगर नहीं तो इट्स ओके, आई एम हेयर फॉर यू, आई विल लेट यू नो द आंसर। मैं तुम्हें आंसर बताऊंगी कि उसका क्या होगा और कैसे होगा, क्यों होगा। तो इसलिए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ऑल द बेस्ट। यस, I would rather be single dash in a bad relationship. I would rather be single besides in a bad relationship. I would rather be single too in a bad relationship. I would rather be single than in a bad relationship. Answer is then. Then is used after the rather. Rather के बाद हम use करते हैं then. But when is rather used? Rather is used when there is comparison. I would like to have coffee rather than tea. मुझे coffee ज़्यादा, मैं coffee लेना ज़्यादा पसंद करूँगी tea से. So there is comparison ना. Then जब comparison हो तब rather use किया जाता है, और rather के साथ हमेशा use किया जाता है then. Next, after payment, you will receive the products dash 3 business days. During 3 business days, inside 3 business days, within 3 business days. Answer is within 3 different days. Within कैसे? जब आपको time limit दे दिया जाए, मैं 5 मिनट के अंदर अंदर काम कर दूंगा, तो हो सकता है पहले दिन काम हो जाए, हो सकता है दूसरे दिन काम हो जाए, हो सकता है तीसरे दिन काम होए, लेकिन क्या काम चौथे दिन होगा? No. जब आपको बोल दिया within 3 seconds या within 5 minutes या within 3 days, तो ऐसे cases में आपको टाइम लिमिट दे दी जाती है 3 दिन, मतलब 3 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, कभी भी हो सकता है काम, तो हो सकता है आपको डिलीवरी उसी दिन ही मिल जाए। सो विदिन इज यूज फॉर द टाइम लिमिट। जैसे 5 मिनट में काम कर दूंगा तो हो सकता है साथ के साथ निपटा दे, 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, लेकिन 5 मिनट के बाद 1 मिनट भी ऊपर ना हो, देन इट इज यूज विद इन। नेक्स्ट, Is he Italian? I was dash the impression that he was Spanish. I was under the impression. I was above the impression. I was below the impression. Under the impression मतलब लाइक मेरे को आइडिया से लग गया था कि जैसे क्या वो इटालियन है, मैं तो ये आइडिया लगा रहा था कि क्या पता वो स्पेनिश हो। तो जब हम आइडिया लगा रहे होते हैं तब हम यूज करते हैं अंडर द इम्प्रेशन। सो इट्स अ प्रोवर्ब, यू कांट डू विद इट, यू कांट डू एनीथिंग विद इट, सो दैट्स व्हाई अंडर इज यूज्ड विद इट। यू आर अंडर द इम्प्रेशन, आई एम अंडर द इम्प्रेशन, I was under the impression. Fourth, I have put a lot of effort dash this project.
I have put a lot of effort inside this project, into this project, within this project. Put effort into something. जब आप किसी भी चीज में एफर्ट लगाते हो, कोई भी एफर्ट लगाते हो किसी भी चीज में, तब आप यूज करते हो into. एफर्ट के साथ यूज होता है into preposition. So B will be the correct answer. Next question. His teaching fee is $50 per hour. His teaching fee is $50 for an hour. His teaching fee is $50 per hour. His teaching fee is $50 hour. $50. Yes, now do this question. I really apologize for this question. His teaching fee is $50 for an hour. His teaching fee is $50 per hour. His teaching fee is $50 by hour. His teaching fee is $50 per hour. जब आपको घंटे के हिसाब से पैसे दिए जाएं, then per term is used. जब कोई क्वांटिटी यूज की जाए, यानी कि जैसे कि इसकी दर इतनी है, तो आप यूज करोगे पर. पर इज ऑल्सो अ प्रेपोजिशन. सिक्स्थ क्वेश्चन. डियाना शोड अ कंप्लीट डिसरिगार्ड डैश हर ओन सेफ्टी. डियाना शोड अ कंप्लीट डिसरिगार्ड ऑफ हर ओन सेफ्टी. डियाना शोड अ कंप्लीट डिसरिगार्ड for her own safety. Diana showed a complete disregard about her own safety. Disregard for her own safety. Disregard मतलब जब आप अपना ध्यान ना रखो, not care for. तो डिसरिगार्ड के साथ यूज किया जाता है फॉर प्रपोजिशन. सेवंथ. द एथलीट ड्रॉप्ड आउट ऑफ द रेस डैश द अर्ली स्टेजेस ऑफ कंपटीशन. इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ कंपटीशन, फ्रॉम द अर्ली स्टेज ऑफ कंपटीशन, अंटिल द अर्ली स्टेज ऑफ कंपटीशन. जब स्टार्टिंग की बात की जाए, तब हम हमेशा यूज करते हैं इन, और स्पेशली यहाँ पर यूज किया गया है अर्ली. अर्ली मतलब स्टार्टिंग में, सो इसीलिए इसके साथ यूज किया गया है इन प्रेपोजिशन. एट क्वेश्चन. यू कैन क्लियरली नोटिस द आउटलुक ऑफ ऑथर डैश द लाइफ ऑफ लाइफ अबाउट लाइफ ऑन लाइफ. On something. जब किसी चीज पर ध्यान दिया जाए या उस पर प्रकाश डाला जाए, तब हम यूज करते हैं on. Here outlook word is used, so that's why on preposition is here. Outlook use कर रखा है, इसलिए यहां पर use हुआ है on. Outlook on. Next. I think it's necessary to raise awareness dash racism, for racism, about racism, of racism. Awareness about racism,
अबाउट, जब अवेयरनेस फैलानी हो, किसी को जागरूक करना हो, किसी कारण से ही करोगे ना, किसी के बारे में ही करोगे, तो अवेयरनेस के साथ हमेशा यूज होता है अबाउट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, एज द ओनर ऑफ द कंपनी द बर्डन टू कंप्लीट विद अदर कंपनीज इज डैश यू, इज ऑन यू, इज for you, is at you. As the owner of the company, the burden to compete with other companies is on you. On you. On. On preposition. जब किसी पर I burden, burden on something, किसी पर burden, then use किया जाएगा on preposition. I hope so. आपका स्कोर रहा होगा 8+, अगर नहीं रहा देन प्लीज वॉच दिस वीडियो वंस अगेन, योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर एंड यू विल गेट गुड एट प्रीपोजिशन। थैंक यू सो मच एंड डू फॉलो इंग्लिश विद ग्रुप एंड राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।